दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। अभी रोहतास जिला और कैमूर जिला और लगभग पूरे बिहार के अंदर पैक्स का चुनाव हो रहा है। पैक्स की सरगर्मी सातवें आसमान पर है। चूंकि शिवसागर प्रखंड हो या चेनारी प्रखंड या सासाराम और कोचस, ये चारों जो प्रखंड है वो पहले चरण में चुनाव हो रहा है। उसी दरमियान हम जो है अभी खुरमाबाद में आए हैं, जो शिवसागर पर चेनारी प्रखंड का खुरमाबाद है। और खुरमाबाद में यहाँ पर लोग हैं, जनता है यहाँ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ के पैक्स अध्यक्ष जो हैं वो धान की अधिप्राप्ति करते हैं, और धान की अधिप्राप्ति करते हैं तो सरकार का जो समर्थन मूल्य है 2150 उस पर करते हैं, या किसान का अगर धान लेते हैं तो पैसा कब उनका अदा करते हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि खाद का भी उठाव होता है। यहाँ लोग किसान होंगे, क्या कहेंगे? हम लोग का जो पैक्स अध्यक्ष पुराने वाले ओल्ड वाले पैक्स अध्यक्ष हैं वो सही नहीं हैं। बहुत सारा दिक्कत है। चिन्हित आदमी लोगों का काम करते हैं, और चिन्हित आदमी का काम करते हैं और उस पर से बहुत तानाशाह में रहते हैं। जो आदमी का नाम है, हमारे घर का खुद 500-600 आदमी का नाम काट दिए हैं, हर लोग का नाम काट देते हैं, किसी का नाम जोड़ते हैं, और बहुत सारा दिक्कत है। खाद का दिक्कत है, चावल का दिक्कत, धान नहीं ले पाते हैं सही रेट से, गेहूँ नहीं ले पाते हैं, बहुत तानाशाह से चिन्हित लोगों का काम करते हैं। नहीं, एक चीज़ है कि जो नाम उन्होंने जोड़ा या जैसे भी जुड़ गया, लेकिन जुड़ने के बाद काटने का प्रावधान नहीं है। मृत लोगों का भी नाम हटाने का प्रावधान नहीं है, मतलब मृत नहीं मारेगा वोट, लेकिन नाम हटाने का प्रावधान नहीं है। तो आप किसी पदाधिकारी के पास गए थे? चिन्हित हम लोग वहाँ गए तो वहाँ जाने से हम लोग का कोई फायदा नहीं है। चिन्हित लोगों का काम करते हैं, तानाशाह का सरकार उनका चल रहा है, तानाशाही जैसा काम करते हैं। चिन्हित लोगों का एक दो वर्ग है अल्पसंख्यक में, हम लोग का किला में वर्ग में उन लोग का काम करते हैं, बाकी हम लोग का कोई काम नहीं करते। वही उनके कोर 15-20 साल तो उड़ा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया हम लोग। क्या क्या कहना? हम लोग का नाम बबन सिंह यादव, नाम हम लोग का कट गया था। हाँ, ओला में मारे थे हम लोग, इसमें कट गया। तो काहे काट दिए? अब काहे काट दिया, अब हुल्लू करना चल रहा है। अभी लड़ाई झगड़ा किए थे? ना कुछ नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं। बस उनका मतलब, या कहे होंगे कि हम उनको वोट नहीं देंगे। हाँ, कहूँ देंगे होंगे। हाँ, ऐसा आदमी कहा होगा। हर बार बोलते हैं कि हमको कोई फायदा नहीं है, धान में फायदा नहीं है, गेहूँ में फायदा नहीं है, बीज में फायदा नहीं है, हमारा खाद नहीं आता है, सब्सिडी का खाद नहीं देते हैं, तो काहे लिए खड़ा हो रहे हैं बार बार? हैट्रिक जीत चुके हैं 3 बार, तो खड़ा मत हो या ब्रेक कर लीजिए, कोई नया को परिवर्तन कीजिए, चांस दीजिए लड़का को। तो बार बार फिर अपने खड़ा होंगे, फिर गबन करते हैं कितना पैसा। चारों कैंडिडेट तो एक ही समाज के हैं। वो हैं तो ठीक है, हम लोग परिवर्तन ना चाहते हैं, राजतंत्र है, राजतंत्र कीजिएगा। 4 बार 5 बार ले आप खड़ा रहिएगा, थोड़ा सा चांस दीजिए अब दूसरे को। हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, हम लोग उनको नहीं बनाना चाह रहे हैं। आपकी बात क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि लगातार अभी आपने सुना हमारे भाई या जो भी कह रहे हैं, लगातार कितनी बार नाम हम लोगों ने दिया आवेदन नाम जुड़ने के लिए, नाम गया, उन्होंने कहा कि ठीक है नाम जुड़ जाएगा, जब लिस्ट आई तो नाम कट गया। नाम देखा गया एक बार सिलेक्शन में, देखा गया कि नाम आ गया, सेकंड में जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें नाम कट गया। पूछने पर कोई जवाब नहीं है, सिर्फ एक ही वर्ग का यहाँ कंटिन्यू काम हो रहा है। देखा जाए तो कंटिन्यू वोटिंग बढ़ रही है, जब हम लोगों की बारी आ रही है, हम लोग दे रहे हैं कि नया वोटर बढ़ाया जाए, नया वोटर का भी उसी तरफ रुझान है जिधर उनका फ़ायदा है। हम लोग चाह रहे हैं कि इधर हम लोग की तरफ भी अब हमारे लिए भी काम करिए। सिर्फ कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि ठीक है, लेकिन करते नहीं हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। धान उन लेते हैं? कुछ नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है, वो तो पता ही नहीं है किसी को। हमने बहुत सारे लोगों से पता किया है, वो कहते हैं वो तो कुछ वैसा रेट ही पे नहीं लेते हैं। ओ, हम कहा कि या क्या कहते हैं, धान हो या खाद, यहाँ खाद अगर मिलता हो, उन्होंने कहा, वो लोगों ने कहा कि कभी ये चीज़ हमको मिली ही नहीं है। जब मिला ही नहीं है, जो बंदा देने के लिए तैयार है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का कहना है कि आपने उतना साल सरकार चला ली, अब किसी और को मौका दे। आपके कहने के मुताबिक एक ही वर्ग के, एक ही जाति के लोग हैं, लेकिन बदलाव तो ज़रूरी है। हम भी तो चाह रहे हैं कि एक बार सरकार दूसरी बदले, हम लोग इनको भी देखना चाहते हैं, जैसे 4 बार उनको, 3 बार हम लोगों ने उनको देखा, 4 बार एक बार नया आदमी को हम लोग देखना चाहते हैं। तो इसमें
परेशानी क्या बात है, तो बराबर बहुत सारे लोगों का सिर्फ नाम काटने से इतनी परेशानी हो गई है कि बस एक ही बंदे पे एक ही तरफ रुझान उनका है, और बाकी जो है हम लोग कोशिश पे कोशिश, 8 लोग 10 लोग 15 लोग भी अगर उनको खबर दिए उसके बावजूद हम लोगों का नाम एक रुपये की भी रसीद होती है जो सह सदस्य होता है, और 11 रुपये की जो रसीद होती है वो सदस्य की होती है, 11 रुपये वाला चुनाव लड़ सकता है। तो आप लोग जो जिस वर्ग से आते हैं उसमें क्या है, मतलब 1 रुपये वाला रसीद है या 11 रुपये वाला, वो भी तो जानकारी नहीं होगा। 11 रुपये वाली है। 11 रुपये वाली है। चलिए देखिए, सब लोगों का कहना है कि पैक्स अध्यक्ष हैं 3 बार से, अब 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो यानी बदला जाए, तो बदले के क्रम में फैसला अब 26 तारीख को चुनाव होगा, देखा जाता है कि क्या स्थिति रहती है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।